तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेकिंग होता है, तो कॉपी चेकिंग कैसे होता है, किन किन चीज़ों को देखकर कॉपी चेक में मार्क्स दिया जाता है, तो जैसे कि एज ए टीचर के हिसाब से आपको बताना चाहेंगे इसमें कि किन किन चीज़ों को देखकर आपका ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेपर दिखाएंगे जो कि एक बच्चा का है, ठीक है। इसमें ये क्या क्या लिखा है, देखिए इसको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी दिया गया है क्योंकि इसका जो राइटिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है इन्होंने। और दूसरा पॉइंट इसने क्या किया है कि एक भी क्वेश्चन इन्होंने छोड़ा नहीं है, ये सबसे पहला इसमें प्लस पॉइंट इसको मिला है कि एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा है, हर एक प्रश्न को इन्होंने टच किया है। तो बहुत ही इस बच्चे को जो बोलेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप भी एग्ज़ाम में ऐसे काम करके आए हैं तो आपको भी मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस पेपर को दिखाएंगे और मेरे पास क्वेश्चन ही भी है, ठीक है, उसी के हिसाब से जो आपका मार्क्स दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जितना भी इसमें जो प्रश्न रहता है, ठीक है, अगर आप भी हर एक प्रश्न को टच करके आते हैं तो आपका भी जो मार्क्स मिलता है बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि टीचर किन किन चीज़ों को देख कर आपका जो मार्क्स सबसे ज़्यादा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको क्या बताया कि ये जो बच्चा लिखा है, इस बच्चे ने हर एक प्रश्न को जो लिखा है बहुत ही अच्छे नंबर से, मतलब राइटिंग के साथ लिखा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में सबसे पहला चीज़ आपको होना क्या होता है कि आपका जो अंदर में जो कॉन्फिडेंस है, ये सबसे प्लस पॉइंट होता है आपका। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आप एक भी चीज़ को सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, और कॉन्फिडेंस की कमी से आपका राइटिंग खराब होता है। जो क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर भूल जाते हैं वहाँ पर। तो क्या बोले आपका कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या बोले कि आपका राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो एग्जामिनर होता है आपका राइटिंग के ऊपर आपको मार्क्स मिलता है, जी हाँ, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान जाता है सबसे पहले उनका राइटिंग के ऊपर। क्योंकि जब अच्छे से बच्चा कोई लिखता है, देखिए ये जो बच्चा लिखा है इतना अच्छा से बना बना के लिखा है, और जहाँ पर आपका हाईलाइट करना है वहाँ पर हाईलाइट करके रखा है, जहाँ पर आपका जो स्पेस छोड़ के लिखना है स्पेस छोड़ा हुआ पे, पैराग्राफ चेंज किया है सही तरीके से, आपको भी इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए एक चीज़ आपको बताएंगे कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप एक भी प्रश्न को छोड़ के मत आइए, जी हाँ, एग्जामिनर इस चीज़ को नोटिस करते हैं। अगर आप मान लीजिए ब्लैंक छोड़ के आएंगे पेपर, तो आपको मार्क्स वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनर आपको क्या देखकर आपको मार्क्स देगा, आपको दिखाते हैं। आप ये जो बच्चा लिखा है, एक बच्चा आपका पेपर आपको दिखाते हैं, रुकिए एक सेकंड। देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है फिर यहाँ पे छोड़ दिया है, तो ऐसे ना आपको आपको मार्क्स नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने कार्ड भी दिया है, यहाँ पे ऐसे में इसको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इसमें इसको पूरा जीरो के जीरो मिलेगा। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से ब्लैंक छोड़ के आएंगे, पूरी तरीके से पेपर को खाली छोड़ देंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें। एग्जामिनर आपको क्या देख मार्क्स देंगे। अगर आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं सक रहे हैं, ठीक है, उसका भी इलाज बताएंगे इस वीडियो में। आप नहीं सक रहे हैं तो उसको भी लिखना है। कैसे लिखना है, उसको लिखने का एक ट्रिक होता है। तो क्या ट्रिक होता है, आप बोलेंगे सर जो मन आए वही लिख देंगे, तो वो लिखने का आपको मार्क्स नहीं मिलता है। आपको लिखना क्या पड़ेगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें देखिए जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा है क्या कि आधुनिकीकरण क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन को जो पढ़ेंगे, आधुनिकीकरण क्या है, आप उस क्लास में पढ़ रहे हैं तो उस क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जो प्रश्न बोल क्या रहा है। ये ज़रूरी है कि आप उसका आंसर नहीं सकेंगे, हम ये इस चीज़ को हम आपको मान रहे हैं कि आप उसका आंसर सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, उसका जो आंसर उसको नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इससे जुड़ा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कुछ तो वर्ड्स आएगा ज़रूर, तो आपके दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएगा उस वर्ड्स को आप वहाँ पर लिखेंगे। उसमें भी एग्जामिनर क्या होता है, मान लीजिए वहाँ पे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस 5 नंबर में आपके एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 नंबर जरूर से जरूर देगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, और 1 से 2 पेज कहीं पर भी आप राइटिंग डबल राइटिंग मत कीजिए, कहीं पर कटिंग मत कीजिए। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखकर आते हैं एग्जाम से तो आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मार्क्स आएगा। इस तरह के वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।